video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Aaj Ramzan ke is mubarak mahine mein नौजवान बिलालाबाद के जानिब से मस्जिद रहमान के बगल में जो गार्डन है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का एहतमाम किया गया था और मोहल्ला बिलालाबाद के बुज़ुर्ग नौजवान और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और ताम का भी इंतज़ाम किया गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवान बिलालाबाद को जो इन्होंने इतना सिस्टमेटिक तौर पर रमज़ान के इस मुबारक महीने में इतना एक नेक काम बाबरकत काम बरकत महीने में तमाम मोहल्ले को एक तरफ ला करके एक और एक एक जगह पर एक दावत की है और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों को भी यहाँ पर उन्होंने मदऊ किया है। कौमी एकजहती का एक पैगाम आपस में जो मोहब्बत का पैगाम इस्लाम और रमज़ान के इस मुबारक महीने का जो मकसद है उस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ही शानदार इफ्तार का और ताम का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में नौजवाना ने बिलालाबाद ने इफ्तार और ताम का अहतमाम मस्जिद रहमान के नज़द जो गार्डन है वहाँ पर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के तमाम तर बुज़ुर्ग नौजवान और कायदीन मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान यहाँ पर आए और इस यहाँ के नौजवानों की हिम्मत अफज़ाई और हौसला अफज़ाई की है। मैं ख़ास करके मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडवोकेट कलीम अहमद साहब को और उनके तमाम तर साथियों को जिन्होंने एक बेहतरीन निज़ाम के साथ में यहाँ पर इफ्तार और ताम का अहतमाम किया है और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर तमाम इलाके के लोग आकर इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं, गैर कौम के भी लोग आए हैं और मुसलमान इस इलाके के ऐसा लग रहा है इस रमज़ान मुबारक के महीने में मुत्तहिद होकर आने वाले वक्त में एक अच्छा फैसला और मुनासिब अंदाज में एक पैगाम देने का काम यहाँ से होगा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग एक मुस्बत अंदाज में काम करते हुए हमारे बीच में बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, हमारे बीच में यहाँ के कायदीन भी मौजूद हैं जैसे कि नासिर मौलाना साहब हैं, ताजिर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं, रज़ाक मिस्त्री साहब, दस्तगीर साहब, ये तमाम तर लोगों की निगरानी में इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक सही फैसला इंतखाबात में जो करना है वो यहाँ के लोग ज़रूर लेंगे मुझे उम्मीद है और तमाम तर लोगों को रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इसी अंदाज में इफ्तार और ताम का अहतमाम करने का अल्लाह मौका अता फरमाए और लोगों को साथ जोड़ने का जज्बा और हौसला अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज इफ्तारी और ताम का बिलालाबाद की नौजवान कमेटी जबकि मस्जिद रहमान के बाजू जिस जो गार्डन है इसमें एहतमाम किया गया था और तमाम अहलिया ने मोहल्ला और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब को मदऊ किया था और तमाम लोग इसमें शिरकत करे और मैं सबसे पहले रमज़ान में अल्लाह इन तमाम नौजवानों को और अहलियान मोहल्ला को जिन्होंने आज इस दावत का अहतमाम किया है और तमाम रोज़ेदारों को इफ्तार की पार्टी दी है मैं उन तमाम के हक़ में दुआगो हूँ। अल्लाह उन्हें हर कोशिशों को कामयाब करे, अल्लाह उनकी तमाम दुआएं कबूल करे, अल्लाह उनकी तमाम मुसीबतों को दूर करे, अल्लाह उनकी तमाम इबादतों को कबूल करे, अल्लाह उनको रहती दुनिया तक दुआएं करने वाला बनाए। आज की इन दुआओं को अल्लाह उनके हक़ में शामिल करे। आमीन। मैं और एक चीज़ ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत अनकरीब इलेक्शन है और आपको इसी तरह का फ़ैसला करना जिस तरह तमाम अहलिया ने मोहल्ला एक होकर आज यहाँ पे रहमान मस्जिद के बाजू गार्डन में आए हैं बिलालाबाद में, उम्मीद करता हूँ इसी तरह का एक रैला इंशाल्लाह पोलिंग बूथों तक पहुँचेगा और नौजवान कायद नासिर हुसैन उस्ताद को वोट देकर इंशाल्लाह बिज़्निल्लाह उन्हें कामयाब करेंगे और उन्हें हम मैं ये कहूँगा कि लोग कायद की ज़रूरत नहीं नहीं मैं ये समझता हूँ कि मेरा भाई खादिम है इस शहर को खादिम की ज़रूरत है, कायद की ज़रूरत नहीं है, कायद की ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब सिर्फ खादिम की ज़रूरत है और जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब खिदमत करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ
कि उन्हीं आखिरी दुआओं के साथ इंशाल्लाह मैं इजाज़त लूँगा कि ये अब जो रमज़ान चल रहा है, इस रमज़ान में अल्लाह हम सबको हिफाजत करे और बुरी बलाओं से हमें दूर करे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बिलालाबाद नौजवान कमेटी की जानिब से कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड गार्डन में हमारे यहाँ पर इफ्तार और ताम का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर हमारे बिलालाबाद के हाउसिंग बोर्ड के जवाहर हिंद के इस्लामाबाद कॉलोनी के तकरीबन हर एरिए के हमारे यहाँ के नौजवान यहाँ पर आए और इफ्तार ताम यहाँ पर करें। और मैं पूरे हमारी नौजवान कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर वो पूरे लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद साहब को यहाँ पर बुलाया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह नासिर हुसैन उस्ताद को पूरे नौजवान बुज़ुर्ग पूरे मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद को इंशाल्लाह आने वाले दिन में एमएलए इलेक्शन में साथ देंगे, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बिलालाबाद नौजवान कमेटी की जानिब से एडवोकेट कलीम अहमद साहब की सदारत में मस्जिद रहमान के बाजू में हाउसिंग बोर्ड का जो गार्डन है, यहाँ पर एक आला इफ्तार और ताम का इंतज़ाम किया गया था जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, जिसमें अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब और कई एक हिंदू और मुस्लिम कायदीन यहाँ पर इस इफ्तार और ताम के अहतमाम में शिरकत करे और यहाँ के इफ्तार और ताम का लुत्फ़ उठाया। और मैं इसी के साथ यहाँ की नौजवान कमेटी और एडवोकेट कलीम अहमद साहब के लिए अल्लाह से दुआगू हूँ कि उन्होंने जिस तरह से ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है, अल्लाह इन्हें इसका अजर दे और तमाम जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, ऐसे प्रोग्राम शहर के हर वार्ड में होने चाहिए, क्योंकि अनखरीब इलेक्शन है और हमें उस असेंबली इलेक्शन को देखते हुए भी ऐसे प्रोग्राम्स कर वहाँ पर जो हमें आज शहर में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह की क़ायद की ज़रूरत है, जिस तरह से हमें एक लीडर की ज़रूरत है, हम ऐसे प्रोग्रामों से एक लीडर का इंतखाब कर सकते हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 31 मार्च 8वें रोज़े के दिन बिलालाबाद यूथ की तरफ से, बिलालाबाद यूथ की जानिब की तरफ से KHB गार्डन बिलालाबाद में रोज़दारों को इफ्तार और ताम का इंतज़ाम किया गया था और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का, अवाम का और पुलिस डिपार्टमेंट का जो ने शिरकत की और पूरे एरिया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बिलालाबाद यूथ की जानिब से आज इफ्तार पार्टी और तावन का इंतज़ाम किया था। 2 साल की वजह से लॉकडाउन में बंद था, नहीं किया गया, इस साल किया गया है। तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ने हमने दावत दी, लब्बैक कहकर कबूल किया। और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बोलने पे पूरा हमको साफ़ करके मेंटेनेंस कर दिया है और हमारे हिंदू भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बाजू एरिए के थे और हमारे दलित भाइयों को भी हमने दावत दी थी, वो आके हमारी दावत कबूल की है। और यही हमारा गंगा जमुना तहजीब है ये गुलबर्गे की, इंशाल्लाह ये गंगा जमुना तहजीब ता खयामत तक बरकरार रहे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम सभी रमज़ान के रोज़ेदार, हमको तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी दावत कबूल करे और हमारे नासिर उस्ताद अलहाज नासिर उस्ताद आके हमारी दावत को कबूल करे उनकी तरफ से, और हमारी पूरी बिलालाबाद यूथ बड़े छोटे सब मिलके इसमें हाथ बटाए हैं। इंशाल्लाह अब जितना होगा उसके आगे साल तो इससे बड़ा करेंगे, बड़े यूथ करें, अब छोटे आने वाली हमारे जो आने वाले बच्चे इंशाल्लाह वो बड़े उनके इससे बड़ा करेंगे। आप सभी को इंशाल्लाह आप सभी को गुजारिश है कि अहमदाबाद और फिर आए, इससे बड़ा और अच्छा होगा।